हमारे साथ 28 अगस्त बैच के स्टूडेंट है। आज काई क्लास थी हमारी अब हम सर ने बताया हमको, अब हम किसी भी बोर्ड में देख के स्पेक्ट्रम में अगर एक आईसी देखेंगे तो पूरे बोर्ड की आईसी हमको मालूम हो जाएगी। यस सर। क्या आरएफ है, क्या पावर है, क्या सीपीयू है, है ना? यस सर। कौन सी हमारी आरएफ आईसी होगी, कौन सी हमारी एमएमसी आईसी होगी, मालूम कर लेंगे। हम ऐसा कैसी हमारा एमटीके का भी है, एमटीके का मालूम कर लेंगे एक आईसी से, है ना? जी सर। ठीक है, और कॉलकॉम का भी हम मालूम कर सकते हैं। यस सर। हाँ, अभी आपने क्लास में क्या बनाया? अभी हम लोगों ने आपके अगर इसके अंदर स्कीमेटिक में अगर कोई सी आईसी होगी तो आप उसकी बोले पढ़ सकते हो आप। यस सर। वो चाहे पावर हो, चाहे लाइट आईसी हो, चाहे आपकी लेग आईसी हो, चाहे आपकी सीपीयू हो, आप उसकी बोले पढ़ सकते हो। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं सर। आप बताइए आपने क्या बनाया या, sir, ये क्या ट्रेस किया है आपने? स्पीकर को ट्रेस किया है नोट 4 की पीएमआईसी में। एमआई नोट 4 की पीएमआईसी? जी सर। तो आपने किस प्रकार से ट्रेस किया, थोड़ा बताएंगे आप? सर, स्पीकर से लेकर जो जो आगे कंपोनेंट आते रहे उसके बाद में पीएम को उतार कर, अच्छा, और इसकी जीआर लिया हमने प्रिंट पर। तो जो जीआर आईसी उतारने से पहले आ रहे थे वो बाद में भी जीआर मिले आपको? वो आईसी अगर हमने वापस लगाई तो वो जीआर हमें वापस यहाँ मिल रहे हैं और ट्रेसिंग पूरी हो गई सर हमारी। ओके। कैसा एक्सपीरियंस रहा नरेंद्र अभी तक का तुम्हारा यहाँ पर? अभी वेरी गुड सर, एकदम। आप आगे बताइए, आपने भी ट्रेस किया ना? yes, बताइए, आप कॉपी बताइए आपकी। yes, ठीक है, आप भी बताइए अपनी कॉपी। वेरी गुड, आप भी बताइए। निशांत आगे आइए, थोड़ा अपनी कॉपी को हाईलाइट कीजिए, इधर थोड़ा आगे आइए। देख सकते हैं ये, आप भी हाईलाइट कीजिए, बताइए, सर के पास लेके जाइए, वहां पे कैमरे के पास। थोड़ा आगे आइए, आप बताइए। ये मैंने मदद की आपकी कि आपने खुद से बनाया? मैंने खुद से बनाया, समझ के बनाया ना। yes, जबरदस्ती यूं करके डायग्राम तो नहीं किया ना आपने? yes, अच्छा, इसके पहले आपको डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस थी क्या? नहीं सर। आईसी पढ़ने की कैपेसिटी थी आपकी? नहीं सर। आप कोई सा भी सर्किट आप बना सकते हो? yes, sir. Yes, sir. आज की क्लास में जो आपको मिला उसके बाद कोई सा भी सर्किट आप ड्राइंग कर सकते हो? yes, sir. वो चाहे लाइट हो, चाहे ग्राफिक्स हो, चाहे चार्जिंग हो, चाहे नेटवर्क हो, आप कर सकते हैं ड्राइंग। yes, yes, sir. कोई दिक्कत आएगी आपको? नहीं सर। कैसी लगी आपको देव सर की क्लास आज की? बहुत बढ़िया थी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आपको डीएसओ जैसे ही आपके घर पे पहुंचा, भैया आ गया, आपने ये चैनल लगा देना है। ये चैनल ऐसा आता है, यहाँ से ये चैनल लिया, लगाओ। ये चैनल नॉर्मल है, प्लगिंग वाला चैनल है, ये लग जाएगा, ये घुस गया चैनल, ठीक है। ये चैनल लग गया, इसमें इस तरह के आपको ये मिलेंगे, ये ऐसा क्रोकोडाइल प्रूफ, ये आपको लगाना है पीसी में ग्राउंड पर। और ये आपको जो पैन मिल रहा है, जो मल्टीमीटर की सुई जैसा मिल रहा है, ये आपको लगाना है जहाँ पर आपको फ्रिक्वेंसी क्या करनी है, ठीक है। ये मल्टीमीटर की सुई जैसा है और ये आपको ग्राउंड करना है पीसीबी पर। आप चाहो तो उसको डीसी के साथ ग्राउंड कर सकते हो, अगर आप डीसी के साथ चालू कर रहे हो, पर मत करना इसके साथ करना। डीसी के साथ क्यों नहीं करना? तो दोस्तों, ये जो आप क्लासेस देख रहे हैं ये हमारी है Day 5, जिसमें हम आईसी आइडेंटिफिकेशन अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं। आईसी पहचानना बोर्डों में सेक्शन वाइज, कि सीपीयू प्रोसेसर के साथ में कौन कौन से आरएफ, वाईफाई और बहुत सारे जो छोटे छोटे सेंसर्स आईसी होते हैं, या बहुत सारे जो हमारी आईसीज होती हैं, पावर आईसी, मेन पावर, सेकंड पावर, कौन सी आपकी मेन पावर है, कौन सी सेकंड पावर है, और तो ये सारी आईसीओ को आइडेंटिफाई करने की हमारी क्लास होती है, जिसमें स्टूडेंट बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम डीएसओ सप्लाई आप स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं डीएसओ की, जो कि बहुत कम इंडिया में इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं या फिर
हमें नहीं पता है कि कौन है, बट हम अपने स्टूडेंट को एक एंडलेस काम सिखाते हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ एंडलेस, क्योंकि अगर आप ये डीएसओ की लाइन और सप्लाई नहीं जानेंगे तो आप किसी मोबाइल के सीपीयू को रिवॉल्व करते जाएंगे या बोर्ड चेंज कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि फॉल्ट एक्चुअल में है कहाँ पर। तो ये हमारे को जानना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे कि देख रहे हैं स्टूडेंट खुद यहाँ पे डीएसओ चलाते हैं, यहाँ टीचर हम सब समझाते हैं, सारा प्रैक्टिकल स्टूडेंट खुद करते हैं। पिछली क्लास में सारे स्टूडेंट ने 4G सेटों में सीपीयू निकाल के लगाए हैं और कईयों ने एक बार नहीं दो दो बार निकाल के लगाए हैं, जो कि एक बिग अचीवमेंट है, क्योंकि स्टूडेंट ये सारे फ्रेशर ही आते हैं दोस्तों। और ये 8-10 साल का एक्सपीरियंस इनका दुकान लेवल पे चार्जिंग कनेक्टर और नॉर्मली काम करने का रहता है। आईसी लेवल पे ये स्टूडेंट वर्क नहीं करते हैं, जो कि यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम आईसी लेवल पे वर्क करते हैं। और 4G हैंडसेटों के और जो नए लेटेस्ट 5G हैंडसेटों के आईसी आइडेंटिफिकेशन में इनको बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है, क्योंकि एक PCB देखने का नज़रिया बदल जाता है। यहाँ पर ये PCB को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि जब आप अगर PCB को आज देखते हैं तो आपको लगता होगा इतनी सारी ICs हैं, कौन से ICs क्या काम कर रही है। तो यहाँ पर इनको सेक्शंस बताए जाते हैं, ICO के नाम, ICO के नंबर, कैसे वर्जन पहचाने और कौन से में कौन से ICs लगेगी, उसमें रिप्लेसमेंट क्या होगा, ICs को बाईपासिंग कैसे करें, ICs को आइडेंटिफाई पढ़ना हम सिखाते हैं। जैसे कि ये जो क्लास आप देख रहे हैं, ये खुद का आप देखेंगे, हर स्टूडेंट अपना ICs डाटाबेस बना रहा है, जिसमें पूरा एक ICs को निकाल के एक सप्लाई ट्रेस करके और एक डायग्राम के साथ में कि अगर ICs के अंदर का पैड भी निकल गया तो हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ इनको पूरे टॉपिक दिए जाते हैं बनाने के लिए, इनको बोर्ड दिए जाते हैं, ये बोर्ड भी हमारी तरफ से होते हैं, और जो जितने भी जो आप देख रहे हैं जो टूल्स होते हैं वो इसे टेलीकॉम प्रोवाइड कराता है, हर स्टूडेंट को उनके सेपरेट टूल होते हैं। तो और ये बिल्कुल ICs के अंदर के पैड तक की इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आपका ICs का पैड अगर कस्टमर अगर या किसी दुकानदार वाले अभी नहीं बना पा रहा है तो आप ऐसे टेलीकॉम के स्टूडेंट है वो बिल्कुल बना सकता है। और बाकायदा ये ICs निकालते हैं और उसकी ICs लगाते भी, तो एक चालू हैंडसेट के अंदर हम ये काम करवाते हैं और फिर उसके बाद उसका सेट हम ICs भी लगवाते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल है जो हमारी क्लासेस होती हैं, ये एक सबसे बड़ा आउटपुट है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो 5 से 10 घंटे एवरेजली कोई भी इंस्टीट्यूट क्लास देता है, पर हम से प्रैक्टिकल 8 से 10 घंटे देते हैं। थ्योरी हमारी क्लास अलग रहती है, ऑल ओवर 12 घंटे की क्लास का हमारा टाइमिंग रहता है, जिसमें स्टूडेंट को बहुत कुछ यहाँ पर अपने सेटों पे काम करने का, अपन डायग्नोस करने का, बहुत सारी चीज़ों करने का यहाँ पर मौका मिलता है। और आप देखेंगे कि जो आप अगर ये स्टूडेंट को देख रहे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इनको Day 1 के इनको देखिए और देखिए कि Day 1 से कितना सीख रहे हैं, क्योंकि हमने Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5, Day 6 और ये Day 5 है, और हम Day 6 भी डालेंगे, Day 7 भी डालेंगे, Day 8 भी डालेंगे, और हर बार हम इनका आखिरी का आउटपुट भी लेते हैं कि आखिरी के आउटपुट में कि सबसे हम पूछते हैं बाकायदा कि सबको समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कंफ्यूज तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है। हम यहाँ किसी भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं है कि नहीं आया तो आगे बढ़ो, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हमारे लिए हर एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा उतना ही कीमती है जितने सारे, सो हम सारे स्टूडेंट पे बहुत सारा वर्क करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट हमें लगता है कि नहीं समझ पा रहा है तो हम उसको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं और उसको पूरी क्लास में हम अच्छे से समझाते हैं। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि हमारा समझाने का तरीका बहुत डिफरेंट है और बहुत यूनिक है, जो आपको ऐसा टेलीकॉम आके पता चलेगा। तो चलिए, आज किसकी क्लास थी? आज ICs की क्लास थी। तो ये क्या कर रहे हो अभी आप? स्पीकर के पूरी रीडिंग सप्लाई निकाल रहे हैं। कहाँ से क्या आ रही? अगर ICs की आज क्लास हुई थी, कोई भी ICs आप बता पाओगे? कौन सी वो नेटवर्क ICs है, कौन सी पावर है, कौन सी ऑडियो ICs है, सारा चीज़ देख रहे हो, पहचान पा रहे हो अभी? यस सर। कोई भी ICs हो तो उसमें CPU कौन सा है, MMC कौन सा है, बिल्कुल रैम रोम कौन सा है, सारा चीज़ आपको पता है? यस सर। ओके, ये क्या लगा हुआ आगे? पावर कौन सा है? PM है, PMI है? 4G CPU लगा हुआ है। वो पावर की बात करो, उसके बगल में पावर PMI है। PMI है, एक बार अच्छे से चेक करिए, देख के बताइए। हालांकि उसमें लिखा भी होता है, अब आप देख के बताओ PMI है कि PM है। PMI है सर। PMI, वेरी गुड। मैं कंफर्म इसीलिए हो रहा था कि आप कंफर्म है कि नहीं। क्या कर रहे हो आप? सर, मैं एयर स्पीकर का एक निकाल रहा हूँ। स्पीकर का आप ट्रेसिंग कर रहे हो? ट्रेसिंग कर रहा हूं। ये देख, बस बनाइए, बस ये ट्रेस करके बनाइए, फ़ोन में चेक करिए कि वो कंप्लेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मिल रहा है। सारा कंप्लेंट चेक करिए, उसके बाद बनाइए, ठीक है? चेक करके बनाइए।
मिल रहा है सर, मिल रहा है। नहीं चेक भी करिए, लाइव प्रेसिंग करिए, जैसे ये कर रहे हैं देखो, एक एक कॉम्प्लेंट को चेक कर रहे हैं और यहाँ पे एक एक कॉम्प्लेंट को चेक करिए, देखिए वो मिल रहा है कि नहीं। ये पूरी आईसी की डिटेलिंग है, आप देख सकते हो यहाँ पे। क्या कर रहे हो अभी आप? ट्रेसिंग कर रहे हैं सर। ट्रेसिंग कर रहे हो जी। आज किसकी क्लास हुई थी? सीपीयू क्लास हुई थी। आईसी की क्लास हुई थी? किसकी क्लास हुई थी? आईसी की। आईसी। क्या कर रहे हो आप? डायग्राम बना रहा हूँ। किसका है ये? नोट 4 का। तो ये चेक करके बना रहे हो? हाँ, चेक देख के बना रहे हो? चेक किया पूरा। आईसी सारे कंपोनेंट जो आपने बनाया है, ये जो कॉइल रजिस्टर, ये मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? लगे सब लगे। डायोड मिल रहे हैं सारे? ओके। क्या कर रहे हो आप? सर ट्रेसिंग कर रहे थे। मिल रहा है कंपोनेंट? जी सर मिल रहा है। आईसी की डिटेलिंग, आईसी की समझ में आ रही है? कौन कौन सी आईसी है, पावर क्या है उसमें, पीएमआई क्या है, सारी चीज़ें आईसीयू को, सारी डिटेल आपको पता चली आज? कोई भी ऐसे देख के बता पाओगे? क्या कर रहे हो अभी आप? कुछ नहीं सर, वो इस पर जीआर नहीं आ रहा था। हाँ। तो सर ने बोला जीआर इस पर तुम्हारा लाना ही काम है, रीडर यहाँ से रजिस्टर उखड़ गया था तो उसको जंपर मार के बना दिया था, अभी जीआर आने लगा है। जीआर आने लगा है? लाइन क्या हो गई थी, ओपन हो गई थी जी, वो रजिस्टर उखड़ गया था वहाँ से। अच्छा अच्छा, तो ये डायग्राम बना रहे हैं आप? बस सर इसके बाद डायग्राम ही बनाने चल रहे हैं अभी। चलिए बनाइए। क्या कर रहे हो आप? सर डायग्राम बना रहा हूँ, लाइन चेक कर रहा हूँ। लाइन चेक कर रहे हो? देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने स्पीकर, इसका सामने ही है, वो नहीं है, इसके नीचे वाले सामने ही आए थे, नहीं है बहुत भोर है ना। हाँ नहीं, तो चलो ठीक है, इसको आप प्रेसिंग करिए। सारे कॉम्प्लेंट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे आपको? मिल रहे सर। ओके। आईसीयू की बात करें, इसमें से जो भी आईसीयू लगी हुई है सारी चीज़ें, पीएम पीएमआई, कौन सा ऑडियो है, कौन सा नेटवर्क है, ये सारा चीज़ आपको डिटेल मिला है? मिला सर, मिला। मिला है सारी डिटेल, इसकी आईसीयू की डिटेल मिली है। अब देख के बता पाओगे सीपीयू एमएमसी कौन सा पावर क्या कैसा है, कौन सा ऑडियो, कौन सी लाइट है, कौन सा हमारा ग्राफिक्स है, सारा चीज़ पता है? जी सर। ओके। क्या कर रहे हैं आप? टेस्ट कर रहे हैं। ये जो आप बना रहे हैं सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको? हाँ मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो कंपोनेंट मिल रहे हैं वहाँ पे। हाँ। ओके। आप क्या कर रहे हैं? मैं डायग्राम बना रहा हूँ सर। ट्रेसिंग किया? जी ट्रेसिंग। कंपोनेंट मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। यहाँ पे मिल रहे हैं, थोड़ा चेक करके बताइए। ये डायोड लगे हैं, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। अच्छा। सीधा पीएम में है। तो ये समझ में आ रहा है सारी चीज़ें? जी सर आ रहा है। आईसी की बात करें अगर, तो आईसी की डिटेलिंग सारा पता चल रही है? यस यस। इसमें कौन सा WTR है, कहाँ पे WTR लगता है? हालांकि निकला हुआ है सर। अच्छा निकला। और इसमें से लाइट आईसी, ग्राफिक्स आईसी, कोई बात नहीं है, देख के बताइए। लाइट ऐसी ये है, इसके बाजू वाली, वेरी गुड, ये कॉइल है। हाँ बूस्ट कॉइल है। ठीक है, पहचान में तो आ रही है ना अभी। आप क्या कर रहे हो? कर लिया ट्रेसिंग? जी डायग्राम बना। चेक करके बनाया है कि ऐसे ही बना दिया है? सर चेक करके। आज आईसीयू की क्लास थी, तो आईसीयू में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं था? देख के आप बता पाओगे कौन सी आईसी क्या काम करती है, कहाँ पे लगी होती है? बता पाएंगे? चलिए इसमें से बताइए, ऑडियो आईसी कहाँ लगी है, कैसे पहचानोगे? सर ऑडियो आईसी आप बस रखिएगा हाथ पे, बताइए कहाँ पे है ऑडियो आईसी, कैसे पहचानोगे? अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पे। ओके ओके, कोई बात नहीं है। अब आगे सर बनाया है, अभी रिवीजन है। चलिए कोई बात नहीं, ट्रेसिंग करिए आप, मतलब देखिए आप आइडेंटिफाई करिए सारे आईसीयू को, आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, क्या कर रहे हो अभी आप? इसमें से देख के आप बताओ ऑडियो आईसी कौन सी है? ऑडियो आईसी पहले WCD। हाँ वो तो ठीक है, WCD ढूंढेंगे। तो एक बार बोर्ड में आप चेक करके बता पाओगे कहाँ पे लगी है? वो तो अभी आइस क्लीन करना पड़ेगा भाई। हाँ देखिए देखिए, आइस क्लीन करिए, थोड़ा सा वॉच करिए, मैं लाइव ही कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आज आपकी आईसी की क्लास रही है? Yes,
अच्छा कुछ पहचान, अभी तो क्लास नहीं हुआ है, जिस दिन क्लास हो जाएगी परफेक्ट तो आप उसको खुद ही भी बता दोगे। यहाँ पे जैसे ही ऑडियो क्लास होगी आपकी तो आप देख के ही बता दोगे कौन सा है, कहाँ पे लगी हुई है। आराम से भाई, किसी का भी बोर्ड शॉर्ट नहीं होना चाहिए, है ना? परफेक्ट है, जीआर चाहिए, सबसे डायग्राम चाहिए मेरे को। तो WCD नहीं दिख रही है तो TM पे ही होगी। अगर नहीं है तो किस में होगी? नहीं है तो बट एक बार इधर थोड़ा आई स्कैन करिए, यहाँ पे आई स्कैन करिए थोड़ा सा। नहीं सर, WCD है सर। WCD है सर। WCD है, मिल गया। चलो क्या कर रहे हो अभी आप? मिल रही है, चेक करने पे मिल रही है। अरे दो आ रही है, दो ट्रेन आ रही ना भाई, ये दूसरे वाला ट्रेन नाप रहा होगा। सीख पा रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? सही, नोट 4 का बोर्ड है जिसके हम को ये रिसीवर की ट्रेसिंग करके ये PM कहाँ पे बनाया आपने? ये PMIC के अंदर। अच्छा, PMIC के अंदर जा रही, देखा आपने? बिल्कुल देखा सर। फेस चेक करके मिला? बिल्कुल मिला सर। ओके, क्या कर रहे हो आप? ट्रैकिंग कर रहे हैं सर रिसीवर का। ये सारी चीज़ चेक करके मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? सर मिल रहा है सर। ये आपने बीच में क्या बनाया हुआ है? इसको सर ये कॉयल है सर, डबल कॉयल। अच्छा कॉयल है सर। सारा चीज़ मिल रहा है आपको? हाँ सर। चेक करके बना रहे हो? क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? आप क्या कर रहे हो सर? माइक रिसीवर की ट्रैक ढूंढ रहे हैं सर। हेलो, ट्रैक मिल रही है? प्रेसिंग कर पा रहे हो अभी? अभी नहीं सर, अभी तो ढूंढ रहे हैं सर। अभी ढूंढ रहे हैं, स्टार्ट किए। आज ICU की क्लास हुई थी तो ICU में कोई भी दिक्कत आ रही है क्या? देख नहीं, के नहीं, सर, कोई देख के बता पाओगे कौन बता सी ऑडियो ऐसी है, कौन सी रिंगर है, कौन सी यहाँ पे MMC है, CPU है, पावर है, ग्राफिक्स ऐसी कौन सी है, लाइट ऐसी कौन सी है, नेटवर्क ऐसी कौन सी है, सारा चीज़ बता पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। आप बताइए, आप क्या कर रहे हो? रिसीवर के ट्रैक ढूंढ रहे सर, जहाँ तक जा रहे हैं इसके रिसीवर की ट्रैक। अगर हम ICU की बात आ जाती, क्लास ICU की थी तो ICU आइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कत आएगी? अब पहचान पाओगे? ओके, क्या कर रहे हो आप? सर ट्रेसिंग कर रहा हूँ स्पीकर की। स्पीकर की ट्रेसिंग? रिसीवर 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 की ट्रेसिंग कौन से फ़ोन में कर रहे हैं? नोट 4। ट्रेस करने पे कंप्लेंट मिल रहे हैं जो आपने बनाया है? जी सर, सारे कंपोनेंट मिल रहे हैं। जी सर, ये इधर से सप्लाई आई, यहाँ पे कंपोनेंट पर आई, उसके बाद में मैं ICU में आ गया, पावर ICU में जा रहे हैं। जी सर। ओके, क्या कर रहे हो? इसका टेस्टिंग कर रहा हूँ। हेलो बोलिए, मासूम खान जी बोलिए। सर ये पावर ICU 7 नंबर पर आ रही है। अच्छा, ये सारी चीज़ें ट्रेसिंग करने में कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? नहीं सर, नहीं कर पा रहे हो सारी चीज़ें? आप क्या कर रहे हो? ये इसका ट्रैक चेक कर रहे सर। ट्रैक चेक कर रहे हो? मिल रहा है? यस सर मिल रहा। क्या कर रहे हैं आप? जी मेरा बोर्ड का ट्रेसिंग हो गया। बोर्ड कहाँ गया आपका? जी हाँ, हम ट्रेस करके दिए हैं। आज आपकी ICU की क्लास थी तो आप बताइए कि ICU की क्लास में आइडेंटिफिकेशन कोई भी ICU पहचान पाएंगे कि नहीं पाएंगे? बिल्कुल। लाइट कौन सी है, चार्जिंग कौन सी है, ग्राफिक्स कौन सी है, सारा चीज़ बता पाओगे? जी सर। लाइट कौन सी ICU में आता है, ग्राफिक्स किस ICU में होगा, ऑडियो किस में होगा, ये सारा चीज़ पता चला आपको? जी। कैसा लगा आज आपको ICU की क्लास? सर ट्रेसिंग कर रहे हैं सर। ट्रेसिंग कर रहे हैं? ट्रेसिंग जो है नॉट 4 का सर। अच्छा, 7 नंबर पे आ रहा है। ओके, आप भी वही कर रहे हैं? जी सर, आज तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था सर। आपको पूरी नॉलेज मिली है पे ICU? जी सर जी, समझ में आ रहा है। अब देख के बता पाओगे कौन सी ग्राफिक्स को? अभी तो सेक्शन हुआ नहीं है, बाकी और सेक्शन होगा तो आप और श्योर हो जाओगे कि कौन सी ऐसी क्या काम करती है। चलिए, हेलो। तो ऐसे ही हमारी डेली की लाइव क्लास, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हमारी ICU की क्लास हुई थी। जैसा कि आप यहाँ पे सारे स्टूडेंट ICU को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन सी ICU क्या काम करती है, सारा जिनको मिला है। बाकी सेक्शन वाइज भी मिलेगा इनको कि कौन सी ICU क्या वर्क करती है, ऑडियो, रिंगर, ग्राफिक्स, लाइट, और यहाँ पे
कौन सी ऐसी क्या वर्क है, सारा चीज़ आपको सेक्शन वाइज स्टेप बाय स्टेप मिलता है। तो ये हमारी क्लास है जो कि चल रही है, यहाँ पे प्रैक्टिकल थ्योरी के बाद हमारी हमेशा शाम की क्लास प्रैक्टिकल होती है, और ऐसे ही आप बने रहें। और भी हमारे लाइव क्लासेस देखना है तो आप इस पेज में जा करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच। अभी जस्ट डबल डेकर सीपीयू की अभी आपकी जल्दी है ट्रेन। आज आपने क्या किया आज के दिन? आज डबल डेकर सीपीयू कैसे डिबल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की। ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने किया। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर क्या है, मैंने ओपनिंग क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज से क्या करवाए थे? डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर, डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया? सर डुअल डेकर सीपीयू, डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर। या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा ड्यूल सीपीयू, ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। कौन क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट Thank you, Dr. Thank you.